भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं, लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी कार्यकर्ता बिल्कुल जो है वो तैयार हैं इस बात के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सही तरीके से जो है वो चुनाव करेगा। और डेट अनाउंस हो गई, हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएगी। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। कार्यकर्ता तो दिन रात और हमेशा तैयार रहता है, चुनाव कभी आ जाए, चुनाव आया है इसका मैं स्वागत करता हूं और हम इस चुनाव में सफल होंगे। राहुल गांधी रथ यात्रा निकालने वाले हैं हरियाणा में, क्या लगता है? कोई कुछ भी निकाले लेकिन इन कांग्रेस के इन बातों का कोई असर हरियाणा की जनता पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जो पूर्व में भूपेन्द्र हुड्डा की 10 साल की सरकार रही उस समय हरियाणा की जनता ने जो भोगा, उस समय हरियाणा की जनता जिस प्रकार से पीसी, जिस प्रकार का धींगा मस्ती का राज उस समय होता था, आज भी जब हरियाणा की जनता उसको याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरियाणा की जनता इतना भूलने वाली नहीं है, उन चीजों को याद रखती है। चुनाव को चुनाव के नाते से लेना चाहिए, चुनाव को ऐसा नहीं है कि चुनाव को बहुत आसानी से लेना चाहिए, क्योंकि आमने सामने जब दो प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनको अपनी बड़ी ताकत से चुनाव लड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। हुड्डा साहब आज अनाउंसमेंट होगी, 1 तारीख को इलेक्शन और 4 को काउंटिंग होगी सर हरियाणा की, तो क्या कहेंगे सर तैयारी? एक मिनट सर, हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं, लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। बहुत अच्छी बात है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे, बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी भी हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की, हमारे से दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की, सुनीता केजरीवाल जी की लगातार सभाएं चल रही हैं, जहां पे भारी संख्या में जन सैलाब है और लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों का उनसे एक इमोशनल जुड़ाव भी है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ेगी और हरियाणा का चुनाव जीतेगी। अलायंस होगा या अपने दमखम पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, जो अलायंस होगा कि नहीं होगा इसका डिसीजन तो अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद ही होगा। तैयारी में पूरी सीटों पर आप लोगों की है? बिल्कुल, हम सारी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और लगातार सब सीटों पे डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, बूथ कमिटीज बनाने का काम चल रहा है, सब विधानसभाओं में एक बड़ी सभा भी हुई है, तो हम हरियाणा के चुनाव को पूरी तैयारी से, पूरे दमखम से लड़ेंगे। ये अपेक्षित था कि चुनाव आयोग जो है आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसके अंदर हरियाणा का भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि चुनाव यहां पर जो है वो होने निश्चित थे, तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी जो है वो 1 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख को जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी कार्यकर्ता बिल्कुल जो है वो तैयार हैं इस बात के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सही तरीके से जो है वो चुनाव करेगा और सभी लोग जो है वो अपने मतदान का सही रूप से उपयोग करेंगे। विपक्षी पार्टियां क्योंकि कई तरह के सवाल अगर हरियाणा की बात करें बीते एक पीरियड के दौरान उठाती रही हैं, तो क्या एक बड़ी चुनौती के तौर पर इलेक्शन को बीजेपी देख रही है या किस तरह की? नहीं, देखिए ऐसा है कि नंबर एक बात जो है हमारा संगठन, जो एक सुदृढ़ संगठन हमारा है और इतना विस्तारित हमारा जो संगठन है, तो उसके कार्यकर्ता जिस तरह से काम करते हैं धरातल पर, तो उससे हमें बहुत उम्मीद है। और दूसरा,
जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में विकास के कार्य हुए और इसके साथ साथ अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं और आम जनमानस जो बहुत सुकून महसूस करता है उनके नेतृत्व में, तो मुझे पूरी उम्मीद है उन्हीं के नेतृत्व में हम तीसरी बार फिर से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। डेट अनाउंस हो गई, हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएगी। लेट होगा और आपको लगता नहीं पहले हो गया? बीजेपी वालों की पोल खुल गई ना, अभी मुख्यमंत्री और कह रहे कि 50,000 पक्की नौकरी दे देंगे इलेक्शन से पहले। एक तरफ तो नौकरी के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ इलेक्शन कमीशन पे डलवा रहे हैं, ये सब झूठ के पुलंदालन के पोल। आज हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है, 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हरियाणा की जनता ने सारी राजनीतिक दलों को बार बार मौका दिया है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ धोखा। इस बार हरियाणा की जनता इनके सारे कारनामों पर पानी फेरते हुए बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सारी सीटें जीतेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। केजरीवाल जी को चाहिए जेल में बैठा के रखे हो, लेकिन उनकी पार्टी दिन दुनी और रात चौगनी आगे बढ़ रही है। भगवान की असीम कृपा है और ईश्वर स्वयं चाहते हैं इस बार की हरियाणा में बदलाव हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं। मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहता है। लेकिन आप तो दोनों तरफ रहे हैं, परंपरागत राजनीति से इतर सैनी साहब को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है, क्या उसका कोई फायदा आपको होते भाजपा को नहीं दिख रहा है? और कांग्रेस इन फाइटिंग से जूझती रहती है जिसकी खबरें आमतौर पर सामने आती रहती है, कांग्रेस में खेमे हैं और हर खेमे में मुख्यमंत्री का एक चेहरा है। ये तो देखो बात यह है कि जहां तक भाजपा की बात है और आपने जैसे कहा, मैंने वो उसको भी 10 साल देखा है भाजपा में, जब बोलने का ही आपको इजाजत ना हो, यानी आप अपनी पार्टी को ये मान के चलो कि जो हम बोलते हैं, जो ऊपर का नेतृत्व तो बोलता है वही सही है, बाकी किसी को बोलने की जरूरत नहीं, तो उस पार्टी में डीमोरलाइजेशन निरुत्साहित हो जाता है वहां का वोटर और वहां का जो भी सिंपथाइजर है और वहां का वर्कर। तो आज के दिन वर्कर उनके कागजों में तो हो सकते हैं लाखों की संख्या हो, जैसे बताते हैं कि पन्ना प्रमुख 3,27,000, लेकिन सही मायने में पूछो तो 5% वर्कर भी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो प्रचार प्रसार नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं पार्टी के लिए लड़ा लेकिन मुझे तो ना तो राजनीतिक तौर पे मेरी कोई पहचान हुई, ना मेरे को पार्टी ने इस लायक समझा कि वो मेरा कोई ऐसा एक पोजीशन, एक ऐसा मेरा काम लगे लोगों को, मैंने लोगों के लिए कुछ किया, लोगों की समस्याओं को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास मैं जाऊं, मेरी पहचान ना हो, थाने वाले मेरे ना पूछे, तहसीलदार मेरे नहीं पूछे, BDO मेरे को दफ्तर में घुसने ना दे, इस किस्म की मानसिकता आज के दिन बीजेपी के कार्यकर्ता में है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।